आई एम फाल्गुनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ऐसी हेल्दी रेसिपी जो आप सुबह नाश्ते के साथ और शाम को चाय की चुस्की के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मसूर पनीर रोल। मैंने साबुत मसूर लिए हैं, उसको हम 7 से 8 घंटे भिगोएंगे और उसे मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके चर्न कर लेंगे। मैंने मिक्सर कर लिया है, अब इसे बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर रेडी करेंगे। मैंने 1/2 कप जितना पानी लिया हुआ है। हमारी कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड ऑनियंस, जो हमारे कटे हुए 2 ऑनियन हैं उसमें से 1 हम डाल देंगे और दूसरा हम स्टफिंग के लिए रहने देंगे। फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने बनाई हुई है वो डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अब हम उसे मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर रेडी हो चुका है, अब हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। पहले ग्रेटेड पनीर ले लेते हैं। फिर हमारा बचा हुआ ऑनियंस, फिर कटे हुए टोमेटोज, बारीक कटा हुआ लहसुन, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। हमारा पैन गरम हो चुका है, अब हम इसमें बैटर डालेंगे। फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। अब हम इस पे बटर लगाएंगे। बटर हमें थोड़ा ही लगाना है क्योंकि हमने बैटर में नमक डाला हुआ है। अब हम इसे पलट देंगे। और पीछे भी थोड़ा हल्का सा बटर लगा लेंगे। आप चाहो तो इसे तेल में भी कर सकते हैं, मुझे बटर अच्छा लगता है इसके लिए मैंने बटर में कर रही हूँ। तो हम गैस स्लो कर लेते हैं और फिर से इसे पलट देते हैं। देखिए कितना अच्छा हो चुका है। अब हम इसमें हमारा स्टफिंग स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसका रोल बना लेंगे। देखिए कितना मस्त बना है। अब हम दूसरे भी बना लेते हैं। हमारे मसूर पनीर रोल्स रेडी हो चुके हैं। आप ये रेसिपी मसूर दाल और मूंग दाल में भी बना सकते हैं। और पनीर घर पे कैसे बनाया जाता है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखिए कितना मस्त लग रहा है। आप ये रोल्स ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राई करें और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो दिल से बनाओ, दिल से